प्रदेश की संस्कृति मंत्री डॉक्टर साधो ने स्थानीय बोली में संबोधित करते हुए कहा कि वचन देना मतलब उसको पूरा करना मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी जानते हैं। इस एक वर्ष में किसानों के ऋण माफ हुए हैं, वही कन्यादान विवाह योजना में भी राशि बढ़ाई है। इसके अलावा इंदिरा गृह ज्योति और किसान ज्योति योजना के बिल भी कम किए गए हैं। संस्कृति मंत्री डॉक्टर साधो ने सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियां बिकनगांव विधानसभा के लालखेड़ा गांव में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार के शिविर में बताई। ऋण माफी योजना से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। प्रदेश के लोक निर्माण व जिले के प्रभारी मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि किसानों को तकलीफ नहीं उठाने देंगे, क्योंकि किसान देश के विकास की रीढ़ है। प्रदेश के किसानों के ऋण माफी योजना प्रदेश सरकार की प्रबंधन नीति है। ऋण माफ करने से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में प्रदेश के 21 लाख किसानों का ऋण माफ किया। अब दूसरे चरण की बारी आ गई है। इसमें प्रदेश के 12.5 लाख किसान के साथ ही खरगोन जिले के 36,270 किसानों के ऋण माफ होना तय है। दूसरे चरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। अब सरकार को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। आपको जो वचन दिया है उसे हम पूरा करेंगे। शिविर के दौरान क्षेत्रीय विधायक श्रीमती झूमा सोलंकी मंच से सड़कों की मांग की। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि उन सभी सड़कों को बनाया जाएगा। मैं सड़कों का महत्व जानता हूं। विधायक श्रीमती सोलंकी ने संबोधन में कहा कि शिविर में जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका निराकरण किया जाएगा और निराकरण होने की वाले व नहीं होने वाले प्रकरणों के आवेदनों का प्रतिवेदन प्रशासन से मांगा जाएगा। शिविर में प्राप्त हुए 990 से अधिक आवेदन आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत शुक्रवार को भिकनगांव तहसील के ग्राम लालखेड़ा में आयोजन शिविर में 990 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। हालांकि आवेदन प्राप्त करने का सिलसिला अभी जारी था। करीब 60 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया। भिकनगांव से संवाददाता अर्पित जायसवाल, सत्य न्यूज। क्या आपको आपके परिवार को चलाने के लिए आपको इसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है? उनको बोनस के रूप में अंक दिए जाएंगे जब भी संविदा की परीक्षाएं होंगी। अतिथि शिक्षकों को हमेशा ध्यान रखा जाएगा। जो आंदोलन हो रहे उसमें काफी मदद करने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने कहा है। पंचायत सचिव ये भी अपनी बात हर जगह उठा रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि सातवें वेतन मान आपको भी मिलेगा अन्य कर्मचारियों की तरह। तो इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हर क्षेत्र में, चाहे कर्मचारी हो या फिर हमारे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबका ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। और ये शिविर इसी का एक माध्यम है कि आपकी एक छोटी छोटी समस्याओं का भी आप यहाँ तक बताएं और उसका निदान होगा। हमारे बीच दोनों हमारे शक्ति बढ़ेगी, खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, तभी देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। इसलिए किसानों के हाथों को कभी कमजोर होने देना नहीं चाहिए। इसलिए हमने 21 लाख किसानों का कर्जा, ये आप जानते हो कि खजाना खाली मिला, अंधेर नगरी चौपड़ राजा ने पूरा खजाना 0/0 सन्नाटा दिया। ये तो कमलनाथ जी जैसे मैनेजमेंट के गुरु है, भारत के सबसे बड़े मैनेजमेंट का गुरु कोई है तो उसका नाम है कमलनाथ, जिसने खाली खजाने को चकरी घुमा के भरा और 21 लाख किसानों को कर्जा माफ किया। 12.5 लाख किसानों की सूची फिर तैयार है। साथियों, जिला सरकार की अवधारणा, आपकी सरकार आपके द्वार, हम लोग किस लिए लेट आए आपको बता दूं। हम लोग जान करके लेट आए क्योंकि जितने विभाग के अधिकारी हैं, यदि हम आगे हम हाथन ढूंढने लग जाते तो बेचारे अधिकारी भी खड़े हो जाते। ये हमारे जो जनता आई है इसके कारण जिसके हाथ में ही रहते। हम फोन पे बात करते रहे, उन्हें 750 समस्या आ गई है जिसका निराकरण हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम आखिरी में आए कि भैया सबके काम का लेखा जोखा आ जाए, निराकरण हो जाए, नहीं तो अधिकारी भी खड़े रहे, जनता भी खड़ी रहेगी, नेताजी का भाषण हो तो काम चालू हो। तो हमने काम पहले निपटा लिया, भाषण बाद में दे रहे हैं, ठीक है ना।